हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और बच्चों, आज आईसीआई ने अपनी सीए एग्जाम्स की डेट शीट को अनाउंस कर दिया है। बट एक थोड़ा सा शॉकिंग जो हम सबको उम्मीद थी वो अभी तक आईसीआई ने नहीं किया है वो पूरे बात। हर साल क्या कह सकता हूँ, हर बार एग्जाम्स जब इलेक्शन ईयर में हुआ करते थे तो एग्जाम्स की डेट हमेशा मई की जगह पर जून में आया करती थी। फाउंडेशन वालों की अभी भी जून में ही है क्योंकि फाउंडेशन एग्जाम अब जून में ही होने शुरू हो गए हैं, लेकिन जो इंटर और फाइनल के एग्जाम्स हैं वो इस बार मई की डेट शीट के हिसाब से बनाए गए हैं, यानी कि एग्जाम मई से शुरू हो रहे हैं। मैं आपको पहले एक चीज दिखाता हूँ कि भी मई की जो एक डेट शीट है वो क्या है, फिर एक छोटा सा एक कह लीजिए कि एक चांस है कि आपके एग्जाम्स अभी भी शायद जून में हो जाए। तो एक बार बच्चों, तो आज 25 जनवरी के दिन आईसीआई ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है और उसके अंदर फाउंडेशन के जो एग्जाम है वो 20 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। 20, 22, 24, 26 को एग्जाम होने वाले हैं और जो सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के एग्जाम्स हैं उसकी डेट शीट आपके सामने है। आप देख सकते हैं सीए इंटर के एग्जाम 3 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, 3, 5, 7, क्योंकि अब पेपर अब 3 हो चुके हैं ग्रुप 1 के अंदर, तो 3, 5, 7, और उसके अलावा ग्रुप 2 के अंदर 9, 11, 13 को एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं सीए फाइनल के एग्जाम जो है वो 2 मई से स्टार्ट होंगे, 2, 4, 6 और 8, 10 और 12। तो ये एग्जाम्स को लेकर हम सब की उम्मीद ये थी कि मैं तो बहुत पहले से बात बोला था कि एग्जाम जून में होंगे क्योंकि इस साल इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस की अभी तक सारी डेट अनाउंस नहीं हुई है। इसी वजह से आईसीआई ने बिल्कुल लास्ट में, अगर आप जाएं लास्ट में, तो लास्ट में एक छोटा सा नोट डाल दिया है, कह सकते हैं वर्किंग नोट डाल दिया आपके लिए। और उस वर्किंग नोट के अंदर ये बात बोली है, पढ़िए देखिए क्या लिखा है, ये ब्लैक से जो बिल्कुल है, इट इज पर्टिनेंट दैन टू मेंशन दैट जनरल इलेक्शन टू 18th लोकसभा आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2024, नोटिफिकेशन फॉर विच इज अवेटेड। अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन कमेटी में रीशेड्यूल मई 2024 सीए एग्जामिनेशन इफ द डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शन कोइंसाइड्स विद द प्रेजेंट एग्जामिनेशन शेड्यूल। मतलब कि उम्मीद है कि आपके एग्जाम जून में हो सकते हैं। उन किन बच्चों के? सीए इंटर और सीए फाइनल के बच्चों। तो आप में से जितने बच्चे भी बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि आपके चांसेस अभी भी हैं पूरे पूरे कि आपको एग्जाम जून में देने का मौका मिलेगा। और इन केस अगर मई में भी होता है तो यहाँ से भी बहुत टाइम है, अपनी प्लानिंग को चेंज कर लीजिए, अकॉर्डिंगली अपने पास मई के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। होपफुली विद इन 10 to 15 days के अंदर सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा और उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम मई में होने वाले हैं, जून में होने वाले हैं। तो एक अच्छी न्यूज भी है, बुरी न्यूज भी है। अच्छी न्यूज की डेट शीट आ चुकी है, लेकिन बुरी न्यूज यह है कि शायद एग्जाम मई में हो सकते हैं। और एक ऑप्शन दे दिया है आईसीआई ने कि अगर इलेक्शन शेड्यूल के बेसिस पर कुछ भी चेंजेस हुआ तो हम आपके एग्जाम को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो मई की जगह एग्जाम जून में हो गए। और ऐसा काफी टाइम से होता आया, जून 2009 में भी हुआ था, जून 2014 में भी हुआ था और जून 2019 में भी हुआ था। तीनों ईयर्स में इलेक्शंस थे और तीनों बार एग्जाम जून में पोस्टपोन हुए थे, जून तक गए थे मतलब। तो बच्चों पढ़ते रहिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो ही आपका सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप क्लियर होगा। इस चीज को बस यहीं पर छोड़ दीजिए, नोटिफिकेशन अगर आएगी तो अकॉर्डिंगली कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा आज अपनी प्लानिंग में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग अब थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए अगर मई में एग्जाम हो रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और लगे रहिएगा, जो भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज उसे कंप्लीट करिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने अपने बच्चों के लिए जो एडवांस अकाउंट्स का कोर्स चेंज हुआ था उनके लिए हमने अपनी तरफ से ट्रांजिशन बैच और रेगुलर बैच बिल्कुल एडमिन कॉस्ट पे ले आए हैं। ट्रांजिशन बैच 3999 में अवेलेबल है और जो रेगुलर बैच है वो 4999 में अवेलेबल है, विद हार्ड कॉपी बुक्स, सब कुछ अवेलेबल है। अपना कोर्स पूरा अच्छे से दोबारा करने के लिए आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल रिड्यूस प्राइसेस पे अवेलेबिलिटी ले आए हैं, ठीक है? तो बच्चों लगे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। इतनी न्यूज देनी थी, जल्दी मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।